जो प्रेरक यहाँ बड़ी संख्या में आए हैं उनके साथ महिलाओं की भी कोई कमी नहीं है, महिलाओं ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ भाग लिया है। ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने बच्चों को साथ लेके आई हैं इस परेशानी में, जिन बच्चों को घर होना चाहिए था आज उन्होंने भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर ये देख लिया कि जो अपनी मांग को रखते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, वो कहाँ करते हैं। आइए ऐसे ही प्रेरक से हम बात करते हैं कि उनकी मांगे क्या हैं। मैडम आपका नाम? विनीता। विनीता जी आप कहाँ से आई हैं? धामपुर। धामपुर से आप यहाँ क्यों आई हैं? हम यहाँ आए हैं अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो समस्या आपकी क्या समस्या है जो आप यहाँ दूर करने के लिए आई हैं? हमारा मानदेय बहुत कम है, 2000 में आजकल क्या हो रहा है, एक दिन की मजदूरी बैठ रही है मतलब 68 रुपए, तो उसमें एक दिन में क्या हो रहा है ये बताओ, कहाँ से खर्चा वर्चा चलेगा, कैसे क्या होगा। देश की प्रगति कर रहे हैं, देश की प्रगति साक्षर, भारत को साक्षर करने की। अभी इन्होंने बोला कि जो हमें 2000 मिलते हैं, 2000 में घर का खर्चा भी नहीं चलता, तो एक क्या मजबूरी है 2000 में आप काम कर रहे हैं? पूरी ये होती है, मोदी जी ये बोले थे कि हमें सारी दुनिया को, बस संसार को, यूपी के अंदर या हर जगह कोई भी अनपढ़ ना रहे, इसलिए ये योजना निकाली थी, तो हमने इसमें भाग लिया। क्या योजना निकाली थी? प्रेरक होगी सार्थकता मिशन, भारत मिशन। तो हम हर किसी को ये चाहते हैं कि वो अपने हक के लिए पढ़े लिखे, चाहे जब सामने वाला या पागो कोई एक दूसरे को कोई परेशान ना करे, चाहे होता है कि हर जगह अब समस्या होती है पढ़ने ना पढ़ने, पढ़ने वाला तेज होता है, ना पढ़ने वाले को कोई भी कहीं भी कुछ भी मतलब हर तरह से परेशान करता है। बैंक में जाएगा तो दूसरा साइन कर देगा, पैसे निकालने में कोई भी कर सकता, लाओ माता जी या भाई साहब हम अंगूठा लगाएं या साइन करें, तो ये जरूरी थोड़ी है वो उसके लिए कर सकता है, वो खाता संख्या भी दे सकता है, अपना कर सकता है। तो हमारा सिर्फ एक वो है मिशन कि हमें सबको साक्षर बनाना है, इसीलिए हमने इसमें कोई सामाजिक काम करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं या हम बुजुर्गों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन आप लोग ये सामाजिक काम करने के साथ साथ आपको सरकार से क्या डिमांड है? सरकार से ये डिमांड है कि हम रोज नियम से जाते हैं, लेकिन हमारे जो घर है हम अपने घर को परिवार को छोड़ के स्कूल जाते हैं, लेकिन हमारा मानदेय समय से नहीं आता है, 16-17 महीने हो चुके जो हमारा मानदेय हमें नहीं मिला है, लेकिन हम नियम से जाते हैं। और एक बात हो रही है, जो हम पढ़ाने के लिए बुलाते हैं हमें ये भी मिलती है बात कि आप हमें क्या दोगे, कि हम तुमको ज्ञान देंगे, मतलब जो पढ़ने के लिए आते हैं वो कहते हैं आप हमें क्या दोगे, दोगे? हाँ। कि हम कहीं और जाएंगे तो हमको इतने पैसे मिलेंगे, मका हम तुम, हाँ होता है, लेकिन हम ये जवाब देते हैं तुम्हें पैसा मिलेगा लेकिन हम तुम्हें ज्ञान देंगे, जो तुम कहीं भटकोगे नहीं, कहीं जाओगे।